टेलीस्कोप ने फैलते हुए ब्रह्मांड से जुड़ा डेटा दिया है, जिसमें पता चलता है कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार सभी पुराने डेटा से ज्यादा है। नासा का कहना है कि संभव है कि ये एक नए तरह की भौतिकी हो। हालांकि डेटा में अंतर को नासा ने एक रहस्य बताया है। नासा के मुताबिक हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के विस्तार पर अपनी खोज में नया मील का पत्थर हासिल किया है। हबल ने पता लगाया है कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। इसके साथ ही नासा ने कहा कि इस नई खोज ने उस सिद्धांत का समर्थन किया जिसके मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में कुछ अजीब हो रहा है। हो सकता है कि ये नया फिजिक्स हो। हालांकि नासा ने डेटा में विसंगति को एक रहस्य बताया। वैज्ञानिक लगातार हमारे फैलते हुए ब्रह्मांड पर रिसर्च कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से खगोल वैज्ञानिक हबल जैसे टेलीस्कोप के जरिए ब्रह्मांड को फैलते हुए देख रहे हैं। हालांकि अब जैसे जैसे आंकड़े सटीक मिल रहे हैं, उससे कुछ अजीब देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बिग बैंग के ठीक बाद ब्रह्मांड के विकास दर और आज के विकास दर के डेटा में असमानता है। इस असमानता के कारण वैज्ञानिक हैरान है। उनका कहना है कि ये दर्शाता है कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ अजीब हो रहा है। वैज्ञानिक ये भी जानते हैं कि ये नई भौतिकी का उत्पाद हो सकता है। हबल टेलीस्कोप पिछले 30 सालों से अंतरिक्ष में और समय का डेटा एकत्र कर रहा है। इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विकास दर का पता लगाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि लगातार अंतरिक्ष बढ़ रहा है। नासा ने कहा है कि उनके पास पहले ही अधिक सटीकता है। अब के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए देशशिप न्यूज़ पे। धन्यवाद।